साल 2014 में रूस ने यूक्रेन से जिस क्रीमिया को अलग करके अपने में मिला लिया था, आज वही क्रीमिया यूक्रेन युद्ध में काफी अहम बना हुआ है, क्योंकि रूसी सेना क्रीमिया की जमीन से होते हुए यूक्रेन में कई हमले कर रही है। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो यूक्रेन में 2014 से पहले के नक्शे को बहाल करेंगे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मान्यता दी थी, जिसका मतलब साफ हुआ कि अब ज़ेलेंस्की रूस से क्रीमिया को दोबारा आजाद कराना चाहते हैं। और इसी कड़ी में यूक्रेन ने क्रीमिया में स्पेशल ऑपरेशन के लिए अपनी सेना उतार दी है। इसको लेकर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के इंटेलिजेंस सर्विस विभाग ने एक छोटा सा वीडियो जारी किया है, जिसमें एक मोटरबोट रात के अंधेरे में समुद्र तट के करीब बढ़ रही है और ये पूरा ऑपरेशन यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर शुरू किया गया है। यूक्रेन सोवियत संघ से आजादी के तौर पर 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और इसी कड़ी में अब यूक्रेन की सेना ओल्निवका और मयाक सेटलमेंट में उतरी है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस विभाग का कहना है कि सभी उद्देश्यों को हासिल किया गया है और इसमें जान माल का नुकसान भी हुआ है। हालांकि इंटेलिजेंस विभाग ने इस ऑपरेशन के उद्देश्य को स्पष्ट नहीं किया है। यूक्रेन का कहना है कि उसने दुश्मन के सैनिकों और उपकरणों को तबाह कर दिया है और यूक्रेनी राज्य क्रीमिया में फिर से यूक्रेन का झंडा फहराया गया है। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अभी एक दिन पहले ही क्रीमिया से रूस के शासन को उखाड़ फेंकने की बात कही थी। और इसी कड़ी में पिछले महीने यूक्रेन ने रूस द्वारा बनाए गए क्रीमिया पुल पर ड्रोन हमला किया था। इसी वजह से क्रीमिया पुल के एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा था। और सबसे अहम बात यह है कि यही पुल रूस को क्रीमिया से जोड़ता है और रूस इसी पुल के जरिए अपनी सेना को गोला बारूद और हथियार सप्लाई करता है और रूस क्रीमिया से ही यूक्रेन पर मिसाइलें दागता है।